हेलो एंड वेलकम टू ऑटो कंपेयर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं टाटा नेक्सॉन 2023 और मारुति सुजुकी की ब्रीजा 2023 मॉडल्स के बीच में। दोनों गाड़ियां भारत में काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली करंट टाइम में सब 4 मीटर साइज के SUV है और कस्टमर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि नेक्सॉन बेहतर या ब्रीजा। तो एक करेंगे कंपैरिजन और देखते हैं कौन सी गाड़ी देती है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील और किस गाड़ी में है ज्यादा दम। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिजाइन की शुरुआत करूं तो नेक्सॉन एक सब 4 मीटर सेगमेंट की गाड़ी है तो वहीं ब्रीजा भी सेम सेगमेंट के अंदर आती है। लंबाई चूंकि दोनों गाड़ियों का सेम है लेकिन चौड़ाई आपको 14 mm की ज्यादा देखने को मिलती है नेक्सॉन में और हाइट आपको 65 mm की ज्यादा देखने को मिलती है ब्रीजा में। ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो टाटा नेक्सॉन एक कर्वी डिजाइन की गाड़ी है आप देख सकते हो लेकिन फ्रंट से काफी शार्प एडजस्ट दिए गए हैं। वहीं ब्रीजा एक कंप्लीट बॉक्सी डिजाइन की गाड़ी है। ओवरऑल ज्यादा एसयूवी वाली में फील की बात करूं तो आउटर साइड से वो ब्रीजा थोड़ी ज्यादा दिखने में लगती है जबकि नेक्सॉन एक थोड़ी फ्यूचरिस्टिक वाली फील दे रही है। ओवरऑल किसका लुक पसंद आया कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्सॉन में आता है 382 लीटर का बूट स्पेस और ब्रीजा में आता है 328 लीटर का बूट स्पेस। ग्राउंड क्लियरेंस आपको नेक्सॉन में आता है 208 mm का और ब्रीजा में दिया गया है 198 mm का। ओवरऑल दोनों गाड़ियों के छत पे सनरूफ भी देखने को मिलता है तो कौन सी गाड़ी का लुक पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इंजन की बात करूं तो नेक्सॉन में दो प्रकार के इंजन आते हैं। 1200cc का पेट्रोल इंजन पहला जो कि पावर जनरेट करता है 118 bhp विद टॉर्क ऑफ 170 Nm टॉर्क। दूसरा है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 113 bhp का विद टॉर्क ऑफ 260 Nm टॉर्क। वही बात करूं ब्रीजा की तो ब्रीजा में दो प्रकार के इंजन आते हैं। 1500cc का पहला K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है 101 bhp का विद टॉर्क ऑफ 136 Nm टॉर्क और दूसरा इसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ CNG इंजन आता है जो कि पावर जनरेट करता है 86 bhp विद टॉर्क ऑफ 121 Nm टॉर्क। तो गाइस अगर हम इंजन को कंपेयर करें तो देखो यार साफ साफ आपको दिख रहा है पेट्रोल में पावर की अगर कंपेयर करते हैं तो नेक्सॉन ज्यादा पावरफुल इंजन दे पा रहा है चाहे हम पेट्रोल देखें चाहे डीजल देखें। वहीं अगर हम माइलेज की बात करें तो यहाँ पे माइलेज के सेक्शन में आपको लग रहा होगा शायद कि मारुति आगे है लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं टाटा नेक्सॉन देती है पेट्रोल पे 18 का माइलेज और डीजल पे कमाल का 25 का माइलेज निकाल पाती है। वहीं ब्रीजा देती है पेट्रोल पे 19 का माइलेज और CNG पे 26 का माइलेज। तो माइलेज में देखो ज्यादा कोई फर्क नहीं नजर आता है लेकिन यहाँ पे अगर हम CNG और डीजल को कंपेयर करें तो लगभग सेम माइलेज है। CNG में आपको बूट स्पेस नहीं मिलेगी जबकि डीजल में आपको पूरा कंफर्ट बूट स्पेस मिलेगा प्लस डबल पावर देखने को मिलने वाला है। सो इन टर्म्स ऑफ माइलेज अगर आप मेरा राय मानेंगे तो प्लीज आप डीजल का वेरियंट लें क्योंकि आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा माइलेज दोनों का मजा मिलेगा प्लस बूट स्पेस भी बचेगा। इन्फोटेनमेंट सिस्टम वाइज बात करूं तो टाटा नेक्सॉन में आता है 10.25 inches का टच स्क्रीन जो कि एंड्रॉइड एप्पल नेविगेशन 360 डिग्री का पार्किंग व्यू कैमरा और इसमें 8 स्पीकर आ जाएंगे। ब्रीजा की बात करूं तो इसमें आता है 9 inch का टच स्क्रीन सिस्टम एंड्रॉइड एप्पल नेविगेशन 4 स्पीकर और 360 डिग्री का पार्किंग व्यू कैमरा इसमें भी आ जाता है। तो गाइस मैंने इंटीरियर ऊपर नीचे दोनों का लगा दिया है, कौन सी गाड़ी का इंटीरियर पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी वाइज यहां पर टाटा नेक्सॉन को मिले हैं 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग और किड ऑक्यूपेंसी में से मिले हैं 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। तो देखो सेफ्टी वाइज टाटा का कोई जवाब नहीं है लेकिन यहां पे ब्रीजा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इस गाड़ी को सेफ्टी में मिले हैं 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग और किड सेफ्टी में देखने को मिलता है 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। सो गाइस अगर हम कंपेयर के आधार पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली नेक्सॉन ज्यादा सेफ है। प्राइस की बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर अदा करता है। वैसे तो नेक्सॉन पेट्रोल में कुल 39 मॉडल्स में आता है। कीमतें शुरू होती हैं ऑन रोड लगभग 9,10,000 से, टॉप मॉडल 16,90,000 रुपए के आसपास में आ जाएगी। डीजल में 30 मॉडल आते हैं, कीमत शुरू होती है 12,70,000 से, टॉप मॉडल 17,80,000 रुपए में मिल जाती है। तो डीजल थोड़ा एक्सपेंसिव है। यहाँ मैं बात करूँ ब्रीजा की तो पेट्रोल में कुल 11 मॉडल आते हैं, कीमतें शुरू होती हैं 9.5 लाख से, टॉप मॉडल आती है 16,30,000 के आसपास। CNG में कुल 4 मॉडल्स आते हैं, कीमत शुरू होती है 10,40,000 से, टॉप मॉडल 14 लाख रुपए में चली जाती है।
तो गाइस अगर हम प्राइस की बात करें तो पर्सनली आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर दोनों की प्राइस लगभग सेम है, लेकिन सेम प्राइस के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं वो इंजन में आते हैं। नेक्सॉन जहाँ पर आपको एक पावरफुल इंजन के साथ साथ माइलेज ठीक ठाक दे देता है, तो वहीं जो नेक्सॉन है सॉरी ब्रेजा है, ये आपको एक रिफाइंड इंजन दे रही है और प्लस इसका माइलेज थोड़ा ज़्यादा आता है। वहीं डीजल सीएनजी की कंपेयर करूँ तो पर्सनली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों के बीच में, लेकिन अगर आप 13-14 लाख रुपए तक इन्वेस्ट सीएनजी में करोगे सो इन माई ओपिनियन यू शुड गो फॉर अ डीजल कार, बिकॉज आपको इसमें ज़्यादा बेहतर माइलेज, ज़्यादा पावर और बूट स्पेस भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कौन सी गाड़ी आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो कंपेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।